तो गाइस ये खड़ी हमारे सामने सुजुकी वैगनार जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सोबर गाड़ी लग रही है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे हम इसके एक्सटीरियर के फ्रंट लुक से। यार फ्रंट में गाड़ी दिखने में सिंपल सोबर हमें दिखती है। यहाँ पे सेंटर में हमें देखने को मिलता है सुजुकी लोगो जो कि क्रोम फिनिशिंग यहाँ से लेकिन यहाँ तक कम्प्लीट हो रखी है। इसी के नीचे हमें सिंपल मैट फिनिशिंग में इसकी ग्रिल देखने को मिलती है जो कि यार कम्प्लीटली यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर रही है। अब इसी के नीचे हम जाते हैं तो यार यहाँ पे बम्पर साइड भी हमें यहाँ पे शेडिंग में ग्रिल दे रखी है जो कि गाइस एक अच्छी बात रहने वाली है। अब जैसे हम इसकी हेडलाइट की बात करूँ तो यार कम्प्लीटली हैलोजन में सेटअप मिलता है। इसके ये इंडिकेटर जो एमरजेंसी लाइट का सेटअप है ये भी हमें हैलोजन में देखने को मिलता है। प्लस गाइस यहाँ पे जो सेटअप मिलता है हमें हेडलाइट का ये भी कम्प्लीटली हैलोजन में देखने को मिलता है। अब कहते हैं बात करूँ इसके यहाँ पे फॉग लैम्प के बारे में तो ये भी हमें कम्प्लीटली हैलोजन में देखने को मिलते हैं। अब गाइस इस गाड़ी का जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सोबर हमें दिख रहा है और लुक वाइज गाड़ी अपने आप को काफ़ी जस्टिफाई कर रही है। अब कहते हैं बात करूँ इस गाड़ी के एयरोडायनेमिक लुक के बारे में। जैसे मैं इसके साइड लुक में जाए अब कहते हैं बात करूँ इस गाड़ी के एयरोडायनेमिक लुक के बारे में। जैसे हम गाड़ी के साइड लुक में जाते हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्व्स आ रहे हो जो स्लोप आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इसको जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि गाइस अगर गाड़ी भाग रही लगभग 110 से 120 की स्पीड में तो बबल नहीं करने वाली काफ़ी स्मूथली गाड़ी अपने आप को यहाँ पे चेस करती हुई जाएगी और एयर टर्बुलेंस इसमें ज़्यादा नहीं लगने वाला। अब कहते हैं बात करो इसके यहाँ पे वाइपर्स के बारे में। वाइपर काफ़ी सिंपल दे रखे हैं और गाइस एक और बात ये कि यहाँ पर जो जेट पैक दे रखे हैं हमें जो पानी फेंकते हैं इसके ऊपर वो दो दो दे रखे हैं। सब में एक आते हैं लेकिन इसमें दो दो दे रखे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और वाइपर भी काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं क्योंकि रेन सेंसिंग वाइपर है, सिंपल वाइपर हमें देखने को मिलते हैं। अब गाइस मैं बात करूँ इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो यार साइड से दिखने में गाड़ी कुछ इस टाइप से हमें दिखती है और फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है गाड़ी का। अब जैसे हम इसके साइड लुक में आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं टायर इसका R14 इंच का टायर दे रखा है और गाइस जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं इसकी बॉडी के ऊपर दे रखे हैं। लेकिन यार ये चीज़ अगर यहाँ पर होती तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे साइड में दे रखे हैं और हैलोजन में है ये। प्लस गाइस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ORVM दे रखे हैं, स्मूथ यहाँ पे वाइट की यहाँ पे फिनिशिंग दे रखी है, सिंपल से दे रखे हैं यहाँ पे। प्लस गाइस यहाँ पे डोर हैंडल पुराने वाले हैं, मतलब आपको यहाँ पे पुरानी गाड़ियों की याद रहने वाले हैं, सिंपल वाले डोर हैंडल हैं। और गाइस लुक वाइज यहाँ पे सिंपल सी ये गाड़ी लग रही है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो गाइस इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है 165 mm का रहने वाला है जो कि यार ओके है, बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। गाड़ी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सही दिखती है, पूरी गाड़ी ओवरऑल कुछ इस टाइप की हमें दिखती है। और गाइस अब बात करूँगा इस गाड़ी के बैक लुक के बारे में, बैक से गाड़ी कैसी दिखती है। जैसे हम गाड़ी के पीछे की साइड आते हैं तो हमें देखने को मिलता है गाइस यहाँ पर डीफोकर तो नहीं है, मिसिंग है, बट गाइस यहाँ पर बैकलाइट देखने को मिलती है, सिंपल सा यहाँ पे सुधीर लोगों को देखने को मिलता है। वैगनार की बैजिंग दे रखी है कम्प्लीटली क्रोम में है, दो दो यहाँ पे पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, यहाँ बैक लाइट कम्प्लीटली हैलोजन सेटअप में है जो ऊपर से के नीचे तक कम्प्लीट हो रही है यहाँ पे। और गाइस नॉर्मल जो लुक आ रहा है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सोबर सा आ रहा है और बम्पर भी काफ़ी सिंपल दे रखा है। गाइस गाड़ी का जो लुक है अपने आप को काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है। और गाइस ऊपर यहाँ पर हमें एक एंटीना देखने को मिलता है जो कि एक FM एंटीना है, रेडियो एंटीना कह सकते हैं उसको हम। तो गाइस गाड़ी का जो एक्सटीरियर है जो बाहर से देखने में कुछ इस टाइप का हमें दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जाएं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर से गाड़ी देखने में कैसी हमें लगती है। सो गाइस इस टाइप का आपको यहाँ पे सिंपल सा की सेटअप देखने को मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस अंदर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके डोर के बारे में। डोर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ORVM को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर दे रखे हैं। प्लस गाइस यहाँ पे विंडो कंट्रोल करने के लिए मतलब लॉक करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर दे रखे हैं, यहाँ चार चार विंडो ऑप्शन दे रखे हैं मिरर के कंट्रोल करने के लिए। प्लस गाइस सिल्वर सैटन फिनिश में हमें यहाँ पे ओपनिंग हैंडल देखने को मिलता है और इसी के नीचे जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे बोतल होल्डर हमें देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट होल्डर देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे स्पीकर भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइस मैं अंदर फिलहाल बैठ गया हूँ और अंदर बैठ के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गाइस अंदर था सपोर्ट और यहाँ पे साइड सपोर्ट काफ़ी सही है, इतना इनहेंस नहीं जैसे स्विफ्ट में है लेकिन इसमें ओके लग रहा है मेरे को, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खास भी नहीं लग रहा, ओके इसमें दे रखा है। बट गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सामने जो हमारा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के अंदर काफ़ी यहाँ पे सिंपल चीज़ें दे रखी हैं, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिलता। और गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन के बारे में क्योंकि ये बेस मॉडल रहने वाला है तो यहाँ पे स्क्रीन भी हमें सिंपल से देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ पे 7-8 इंच की कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं देखने को मिलती। प्लस गाइज यहाँ पे ऑडियो प्लेयर भी काफ़ी सिंपल से दे रखा है। जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं यहाँ पे एमरजेंसी लाइट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसी के नीचे हम आते हैं यहाँ पे AC कंट्रोल देखने को मिलते हैं जो कि यार पुराने स्टाइल में दे रखे, कोई भी नया स्टाइल यहाँ पे नहीं है।
क्योंकि गाइस ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल में कोई भी ऐसी तकड़ी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल गाइस मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड के बारे में, डैशबोर्ड काफ़ी यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है, यहाँ पे एक अच्छी खासी जगह दे रखी ताकि हम यहाँ पे कोई भी अपनी मतलब भगवान जी की मूर्ति या कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे हमें साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे एयर बैग का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इसी के नीचे हमें यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पे एसी वेंट हमें सिंपल में दे रखे हैं, ब्लैक फिनिशिंग में, सिंपल ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पे एसी वेंट है। बट गाइस यहाँ पे डुअल टोन देखने को मिलता है जो कि गाइस इसके लुक को काफ़ी एनहांस कर रहा है। अगर गाइस मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट के बारे में तो यार यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हमें देखने को मिलता है जो कि यार एसेसरीज लगा के हम इसे बढ़ा सकते हैं। और गाइस पियानो फिनिशिंग में हमें यहाँ पे गियर हैंडल देखने को मिलता है, इसी के नीचे आए तो हमें यहाँ पे एक कप होल्डर टाइप का देखने को मिलता है सामान रखने के लिए, हैंड रेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता। बट गाइस यहाँ पे सिंपल सोबर सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि गाड़ी का मतलब गाड़ी के प्राइस को और लुक को काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है। 5 से 6 लाख के बीच में कोई गाड़ी खरीद रही तो आपको इसलिए इस गाड़ी को मेंशन कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिलता है जो कि क्रोम फिनिशिंग में इसका यहाँ पे टॉप दे रखा है, सिंपल सी गाड़ी है, ज़्यादा कोई खतरनाक वो फीचर नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे ग्रिपिंग हैंडल भी नॉर्मल दे रखा है, कोई फोल्डेबल नहीं है। प्लस गाइस यहाँ पे हैलोजन में इंटीरियर लैम्प देखने को मिलते हैं, सन डिफेंडर हमें सिंपल देखने को मिलते हैं जो कि सिंपल आते हैं, वहाँ मिरर देखने को मिलता है। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो गाड़ी है इसमें फीचर्स थोड़े कम दे रखे हैं, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि गाइस एक बेस मॉडल है और बेस मॉडल में क्या करते हैं गाइस कोस कटिंग के लिए ये लोग यहाँ पे फीचर्स कम करते हैं। बट गाइस यहाँ पे इंटीरियर लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, इंटीरियर लुक काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। अब गाइस मैं गाड़ी के पीछे जाऊँगा और पीछे जाके देखूंगा कितना स्पेस देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ड्राइविंग पोजिशन में बैठा हूँ और गाइस अब चलते गाड़ी के पीछे। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि यार अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा होने वाला है। तो फिलहाल जाऊँगा पीछे और आपको ये बताने वाला हूँ यार पीछे से बैठ के कैसा फील होने वाला है और इंटीरियर कैसा है इसका। चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। अंदर जाने से पहले इसके डोर हैंडल के बारे में बात करो तो कम्प्लीटली 90 डिग्री में खुल रहा है जो कि गाइस एक अच्छी बात है, 90 डिग्री में कमी खुलने को मिलता है। बट वैगनआर में ये 90 डिग्री है तो गाइस ये अच्छी बात रहने वाली है। प्लस गाइस सिल्वर साइलेंट फिनिशिंग में इसको ओपनिंग हैंडल देखने को मिलता है और गाइस बाकी सारी चीज़ सिंपल में देखने को मिलती है। बॉर्डर होल्डर हमें देखने को मिलता है, एक यहाँ पे वॉलेट के लिए भी यहाँ पे जगह दे रखी है, स्पीकर्स के लिए जगह दे रखी है यहाँ पे। और गाइस अगर मैं बात करूँ उसके अंदर जाके तो यार अंदर चले गए हम यार पीछे की साइड मुझे अंडर थाई सपोर्ट कम लगा, मतलब थाई के नीचे की साइड सपोर्ट बहुत कम है। बट गाइस यहाँ पे स्पेस काफ़ी दे रखा है हमें और गाइस पीछे यहाँ पे एसी वेंट देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पे हम लोग तीन तीन बंदे बैठ के आराम से जा सकते हैं, अगर आपके 5 बंदों की फैमिली है तो आप लोग यहाँ पे अनकम्फर्टेबल नहीं होंगे और आराम से यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे हैंड रेस्ट देखने को नहीं मिलता बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे जो ओवरऑल इंटीरियर है इसका सिंपल सोबर सा दे रखा है, इसके यहाँ पे प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। अब हम जाएंगे गाड़ी के पीछे की साइड और देखते हैं इसका बूट स्पेस हमें कितना देखने को मिलेगा। गाइस बूट स्पेस की बात करूँ तो जैसे कि सीएनजी गाड़ी और सीएनजी गाड़ी में फिलहाल तो यहाँ पे सिलेंडर ने बूट स्पेस गिर रखा है, वैसे इसका जो बूट स्पेस जो रहता है नॉर्मली 250 लीटर के आसपास का उसका बूट स्पेस को मिलेगा नॉन सीएनजी में। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके सिलेंडर की तो 11 लीटर के आसपास का आपको यहाँ पे सिलेंडर देखने को मिलता है। प्लस गाइस यहाँ पे इसका स्टेपनी भी दे रखी है जो कि 14 इंच की है और ये मतलब जो सेटअप है कम्प्लीटली अगर आप यहाँ पे करवाते हो मतलब कंपनी से तही तभी बेस्ट रहता है, कुछ लोग बाहर से करवाते हो थोड़ा रिस्की मैटर पड़ जाता है बट कंपनी से सेट हुआ हुआ ये अलग ही सेफ्टी देता है। तो गाइस अब करते हैं गाड़ी को बंद और गाइस यहाँ पे एक फायर एग्जीक्यूशन दे रखा है, जैसे कि गाइस एक यहाँ पे ये बिल्डिंग के लिए है और यहाँ पे ये कार के लिए है, इसके अंदर दे रखा है ये। तो गाइस सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, करते गाड़ी को बंद।